बच्चों आज हमारा विषय है भाषा अधिगम। हमने पिछली कक्षा में बात किया था भाषा अर्जन के बारे में। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जैसा कि हमने पहले बताया था, और उसे आपको सीखना पड़ता है, उसे सीखने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। आज हम बात करेंगे भाषा अधिगम के बारे में कि अगर हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं और क्या क्या मापदंड होते हैं उसके। पहले तो ये जानिए कि जब भी आप भाषा सीखते हैं तो वो द्वितीय भाषा होती है, क्योंकि जहाँ तक आपकी मातृभाषा और प्रथम भाषा की बात है तो वो आप घर से ही सीख जाते हैं। बचपन से ही बालक के पास एक भाषा होती है जो कि वो उसके घर से ही वो सीखता है, घर के परिवार के सदस्यों से सीखता है या आसपास से सीखता है, वो उसकी प्रथम भाषा होती है। जब वो कोई द्वितीय भाषा सीखना चाहता है तब अधिगम की बात सामने आती है। तो ये हमेशा भाषा अधिगम में जो भाषा काम में आती है वो द्वितीय भाषा उसकी होती है। वो अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, रोमन हो सकती है, जर्मन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है। आजकल विद्यार्थी बहुत सारी नई नई भाषाओं को सीखना चाह रहे हैं। निगमन विधि, निगमन विधि ये है जिसमें कि पहले नियम की बात की जाती है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। ये पहले सिद्धांत की बात इस भाषा के लिए छात्रों को बताना होता है कि इस भाषा के व्याकरण के नियम क्या हैं, कैसे शब्द हैं, कैसे व्याकरण से वाक्य बनते हैं, तभी उसके बाद विद्यार्थी उस भाषा को सीखने में सहज हो पाता है। सो निगमन विधि का मतलब ये है कि पहले नियम उसके बाद उदाहरण। लेखन कौशल का प्रयोग, जब आप कोई नई भाषा सिखाएंगे अपने विद्यार्थी को तो उसे बार बार लिखने की प्रैक्टिस कराना होगा, वेदर वो इंग्लिश हो या संस्कृत हो या फ्रेंच हो, आपको उसको कहना होगा कि आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जबकि प्रथम भाषा में लिखने के अभ्यास की जरूरत नहीं होती है, बच्चा जन्म से ही वो भाषा को एक्वायर कर लेता है, सीख जाता है। व्यवस्थित विधि होती है, अगर आप भाषा अधिगम में कोई नई भाषा सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए एक क्लासरूम चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक निश्चित मापदंड चाहिए। टीचर के पास एक निश्चित लेसन प्लान होगा, पाठ योजना होगी, कैसे वो बच्चे को नई भाषा सिखाएगा। पहले वो अक्षर सिखाएगा, फिर शब्द सिखाएगा, फिर वाक्य बनाना सिखाएगा। तो बहुत सारी बातें होती है जो कि व्यवस्थित होती हैं। फिर से कह रही हूँ कि प्रथम भाषा में व्याकरण पहले नहीं आता, पहले व्यवहार आता है, उसके बाद व्याकरण की बात होती है। सचेत और सजग रहते हैं विद्यार्थी, इसमें रहना ही होगा, क्योंकि अभी आपको कोई नई चीज़ सीखनी है। वो तो सहज प्रक्रिया थी, जब आप मातृभाषा सीखते हैं जो आपकी प्रथम भाषा होती है वो सहज और सरल होती है, आप बोलते बोलते सुनते सुनते सीख जाते हैं। जबकि यहाँ पे आपको सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, कौन सा शब्द कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे लिखना है, कैसे उसको वाक्य बनाना है, तभी आप सीख पाएंगे। सिद्धांत पर आधारित होता है, आप फ्रेंच सीखेंगे, आप अंग्रेजी सीखेंगे, संस्कृत सीखेंगे, जर्मन सीखेंगे, तो उसका एक निश्चित प्रिंसिपल होता है, उस तरह के भाषा का एक निश्चित तरीका होता है जो कि आपको एक शिक्षित व्यक्ति ही सिखा सकता है। समय लगेगा इसमें, मैंने लिखा है समय। अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाह रहे हैं जो कि द्वितीय भाषा है तो उसमें आपको समय लगेगा, जबकि प्रथम भाषा के लिए बच्चा एक साल से दो साल से माँ, पानी, पापा, घर, दूध, भूख, ये सारी बातें बोलना सीख जाता है, वहाँ पे वक्त उतना नहीं लगता है, जबकि द्वितीय भाषा में लगता है। प्रेरणा की आवश्यकता होगी, अगर आप बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे, बच्चे को प्रेरित नहीं करेंगे, उसको दबाव नहीं डालेंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। जबकि वहाँ उस प्रक्रिया में जब आप भाषा अर्जित करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बच्चों को पुरस्कार देकर प्रेरित करके उसे सजग बनाया जाता है, उसे सक्रिय बनाया जाता है ताकि वो भाषा को सीखे। यहाँ विद्यार्थी का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, उपयोगिता से प्रेरित होती है ये बात। प्रथम भाषा तो कोई भी मनुष्य, कोई भी बालक सीखेगा ही, क्योंकि भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना है, तो एक भाषा की ज़रूरत तो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को होती है। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ती है तब उपयोगिता की बात आती है। हम कहते हैं कि आज के तकनीकी युग में अंग्रेजी जानना ज़रूरी है, अगर आपको विदेश जाकर काम करने का शौक है तो आपको फ्रेंच जानना है, आपको जर्मन जानना है, तो इस तरह की जब बातें आती हैं तब हम द्वितीय भाषा सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये जो बात है भाषा अधिगम की और द्वितीय भाषा की, उसमें ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि ये उपयोगिता से प्रेरित है। अगर विद्यार्थी को लग रहा है कि दूसरी जो भाषा है वो उसके कैरियर के लिए ज़रूरी है, उसके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तब
तभी वो सजग होता है, सक्रिय होता है और उसे सीखने की वो कोशिश करता है। धन्यवाद।